नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। आज हम आए उल्वे नवी मुंबई सेक्टर 9 पे। यहाँ पे हम वन रूम किचन प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ये G+4 का बिल्डिंग है जो 100% कंप्लीट हो चुका है। इसका OC आ चुका है और रेसिडेंशियल फ्लैट के साथ इसमें दो कमर्शियल शॉप्स भी है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सोसाइटी का एंट्रेंस, जहाँ पे ये एंट्रेंस की लॉबी, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। और हम लोग आज जो फ्लैट देखने वाले हैं वो 3rd फ्लोर पे है। और इसमें जो लिफ्ट लगी, काफ़ी साइलेंट लिफ्ट है। जनरली G+4 में काफ़ी बेसिक लिफ्ट आती है, बट इसमें अच्छी तरह क्वालिटी की लिफ्ट यूज़ की है जो कि आवाज़ नहीं करती है। दूसरा, ये देख सकते हो यहाँ पे मीटर लग चुके हैं। और ये जितने भी स्टेयरकेसेस, यहाँ पे स्टेप्स है, इसमें सब में मार्बल यूज़ किया हुआ है, पिंक मार्बल यूज़ किया हुआ है। बिल्डिंग का लुक काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, हम ये लिफ्ट में आ चुके हैं। आप देख सकते हो हम लोग 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। ये काफ़ी साइलेंट लिफ्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये साइलेंट लिफ्ट मतलब जब आप लिफ्ट में से सफ़र करते हो तो लिफ्ट में कोई किसी तरह का आवाज़ नहीं होता है, जग का आवाज़ नहीं आता है। तो हम लोग लिफ्ट से, ये 3rd फ्लोर पे हमारी लिफ्ट रुक चुकी है अभी, और हम यहाँ से भी चलते हैं लिफ्ट से बाहर। तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए अभी। तो ये है अपना फ्लैट का एंट्रेंस और ये है हमारा वन रूम किचन। सो ये वन रूम किचन का हॉल है, काफ़ी अच्छा और स्पेशियस हॉल है। अगर मैं इसका विंडो का बात करूँ तो इसमें अच्छा विंडो है, दिया हुआ है फ्रेंच विंडो जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से बड़े साइज का विंडो होता है। अगर गैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी भी दी हुई है, इसको आप बाद में चाहिए तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर मैं अंदर की तरफ लेके चलूँ आपको, तो ये इस तरफ जो है एंट्री करते ही, तो इस तरफ एक किचन बना हुआ है। किचन के साइड में ये टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट बाथरूम ये कंबाइंड है। इसमें देख सकते हो इंडियन टॉयलेट लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी इसमें टाइल्स, इन्होंने डिज़ाइनर टाइल्स यूज़ की हुई है। और इस तरफ ही हमारा किचन है, जैसे कि ये वन रूम किचन है आप देख सकते हो। और ये किचन के यहाँ पे बेसिन है, इस तरफ फिर से फ्रेंच विंडो लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ की अगर मैं गैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी साइज़ की गैलरी बड़ी की बनाई हुई है, और ये आपको चाहिए तो बाद में आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। दूसरा, अगर मैं यहाँ का बात करूँ सीलिंग का, तो इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर सीलिंग सबको मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग से सीलिंग के ऊपर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी POP बना हुआ है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक डिज़ाइन है। ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है हमारा, और इसमें ऑलरेडी फ़ैन लगाने के लिए 2 स्पेस छोड़े, पाइप लगे हुए, वायर छोड़ा, आपको सिर्फ फ़ैन ही हैंग करना है। बीच में एक झूमर लगाने के लिए जगह छोड़ा है इन्होंने, वायर भी छोड़ा हुआ है, और काफ़ी आर्टिस्टिक डिज़ाइनर इसमें ऑलरेडी POP करके रखी है। इसके साइड में भी और काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और दोस्तों, इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इस बिल्डिंग के पास में सामने की तरफ जो आपको ओपन स्पेस दिख रहा है, ये एक्चुअली सिडको का ही ओपन स्पेस है। यहाँ पे गार्डन आने वाला है फ्यूचर में। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी दोस्तों। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 25 लाख के आसपास पूरा पैकेज आता है, विथ रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी के साथ में। तो जैसे कि दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी देख ली है, ये हॉल, किचन, किचन में भी टाइल्स लगी है, टॉयलेट बाथरूम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बालकनी है, इसमें जो यहाँ की सीलिंग है वो नॉर्मल है, तो और ये बाहर की डिज़ाइनर सीलिंग है। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने देख ली है। आइए थोड़ा बिल्डिंग की पार्किंग स्पेस में चलते हैं, ताकि आपको आइडिया आ सके कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है और इसमें क्या क्या पार्किंग्स अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, ये हम लोग अभी पार्किंग स्पेस में आए हैं। ये बिल्डिंग का पार्किंग स्पेस है, बैक साइड पर आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस बिल्डिंग में 2 कमर्शियल शॉप्स है, तो वो हिसाब से यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम भी दिया हुआ है जो कमर्शियल प्लेसेस के लिए कंपलसरी होता है। तो जो शॉप्स, जो कोई भी खरीदेगा तो उनको ये टॉयलेट और बाथरूम यूज़ करने मिलेगा, सोसाइटी के लोगों को तो मिलेगा ही। दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है ICICI बैंक का, तो ये प्रॉपर्टी जो है ICICI बैंक से अप्रूव की हुई है। अगर आपको लोन करना है तो इस प्रॉपर्टी पे लोन हो सकता है। ICICI बैंक नहीं तो हर कोई बैंक से या फिर फाइनेंशियल कंपनी से आप लोन लेना चाहते हो तो कोई भी कंपनी से, फाइनेंशियल सर्विसेज से आप इसका लोन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे रेडी है इसके, और 100% पूरा कंस्ट्रक्शन इसका रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, और इस तरह के मैं आगे भी वीडियोस बनाते रहूँगा। तो ये वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।